बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ज़िराक्स 5855 का ये डिस्प्ले पैनल चेंज करने का तरीका बताऊंगा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने इसको किस तरीके से चेंज करना है, और उसके अलावा ज़िराक्स 5755 इसका ये डिस्प्ले पैनल अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने ये किस तरीके से चेंज करना है बताऊँगा। उसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए आपने ये फ्रंट डोर को ओपन कर लें। फ्रंट डोर को ओपन करने के बाद ये इसके यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। इनको आपने खोल लेना है। इन तीनों को ओपन करने के बाद अब आपने ये देखें, इसको इस तरीके से अब आपने इसका ये वाला क्लिप ऐसे उतार लेना है, ये भी ऐसे उतार लेना है। अब इसको इस क्लिप को यहाँ से आपने ऐसे प्रेस करना है, ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करना है और इसको ऐसे खींच लेना है। ऐसे आपने इसको भी उतार लेना है प्रेस करके इसको। इसके बाद आपने ये इसकी जो यूएसबी केबल की जगह है, यूएसबी लगाने की जगह है, आपने इसको भी यहाँ से इन दोनों को खोल के इसकी उसको इस तरीके से आपने इसको भी उतार के इसको अलग कर लेना है। इसके अलावा अगर आप ये भी उतारना चाहते हैं इस पोर्शन को भी, तो ये इसका एक यहाँ पे ये स्क्रू लगा है और एक यहाँ पे लगा है। आप इसको ओपन करके इसको भी इसे को उतार सकते हैं, और अपना ये जो आपकी पैनल है मशीन का, आपने अगर दूसरा लगाना है डिस्प्ले पैनल, अगर आपने दूसरा लगाना है तो अब आप इसकी जगह पर दूसरा लगा सकते हैं बिल्कुल इसी जगह पर। सिंपल तरीके से लगाना इसको इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से है। इसको आपने यहाँ पे लगा देना है, इसको वापस आप इस जगह पे लगा दें और इसको आप इधर लगा दें। इसके बाद आप ये जो यूएसबी पोर्ट है आपने वापस इस जगह पे इस तरीके से
कटरा लगा के अब आप इन्हें इसको वापस इस तरीके से इसको लगाने के बाद इसके तीनों जो स्क्रू आपने यहाँ नीचे से खोले थे उनको आपने लगा देना है। इसके बाद इसी तरीके से ये ज़ेरॉक्स 5755 है, इसका भी फ्रंट डोर ओपन करना है। इसके जो दो स्क्रू हैं दो लगे होते हैं, एक यहाँ पे लगा होगा और एक यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। इन दोनों को ओपन कर लें। इनको ओपन करने के बाद बहुत सिंपल तरीका है, आपने सिर्फ इसको उठा लेना है, ऐसे उनको ओपन करेंगे आप इसको उठा लेंगे। उसके बाद यही केबल देखें यहाँ पे लगी है, वो जो ज़ेरॉक्स 5755 में लगती है, इसको इस तरह आपने प्रेस करके यहाँ से निकाल लेना है। उसके अलावा आपने एक केबल ये लगी है, इसको भी इसी तरीके से निकाल लेना है। एक केबल ये लगी है, इसको भी आपने निकाल लेना है। इसमें सिर्फ ये तीन केबल हैं, एक दो और ये तीन। इन तीनों को जब आप निकालेंगे तो ये आपका पूरा डिस्प्ले पैनल बाहर आ जाएगा। डिस्प्ले पैनल को आप निकाल के इसके बाद सिंपल तरीके से आप दूसरा लगा के केबलें तीन वापस लगा के तो आप इसको इस तरीके से बंद कर दें। यहाँ पे बंद करने के बाद आपने वही जो है यहाँ पे दो स्क्रू वापस लगा देने हैं। तो आपने इस तरीके से ज़ेरॉक्स 5855 और 5755 का डिस्प्ले पैनल अगर चेंज करना है तो इस तरीके से आपने चेंज करना है। अगर इसमें इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सिर्फ डिस्प्ले पैनल उतार के मैकेनिक के पास लेके जा सकते हैं, आपको मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी या पूरी मशीन लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।